तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल काइट लवर। तो दोस्तों, आज इमाम अली काइट सेंटर में, और मैं आपको इसका एड्रेस भी बता दे रहा हूँ। ये आपका लगता है बास मंडी के पास, ये आप कबूतर चौक के पास आ जाना, वहीं पर ही इनकी ये दुकान है शादाब काइट सेंटर। और यहाँ पे आप पहले सामान देख लीजिए, कितना सारा यहाँ पे सामान आपको मिल जाएगा, चाहे आप होलसेल में लेना चाहें या रिटेल में लेना चाहें, सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और ये देख लीजिए, एक बार मैं पहले आपको पूरा व्यू दिखा देता हूँ। यहाँ पे सद्दी, चरखी, पतंग वतंग सब आपको मिल जाएगा बढ़िया रेट में, ये देखिए। तो ये रही पतंगे, तो पतंगे आपको दिखा दे रहा हूँ, ये अद्दी पतंग रही, और इसके नीचे ये रखी है मंझोली। तो अभी जो ये शॉप के ओनर हैं उनसे मैं आपको मिलवाऊंगा। अभी बाहर काफ़ी भीड़ लगी है सामान लेने वालों की, तो अभी वो थोड़ा उनमें बिजी है, तो जैसे ही वो फ्री होते हैं फिर उनसे आपको मिलवाता हूँ और वो अपना पतंगे वतंगे दिखाएंगे। तो पहले मैं आपको ऐसे दिखा दे रहा हूँ, और ये देखिए मंझोली रही, फैंसी मंझोली, काफ़ी बढ़िया बढ़िया पतंगे आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और दुकान में यार काफ़ी भीड़ है, अभी से सुबह सुबह मैं आया हूँ तो सुबह से ही काफ़ी भीड़ है आज यहाँ पे, तो वो अभी बिजी हैं इस शॉप के ओनर। और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आपको ट्यून भी मिल जाएगी, ये देखिए तीन तीन नीली चरखियाँ ये ट्यून की, और जो भी आप कलर कहेंगे वाला कलर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर पिंक भी है, और खाली चरखे भी आपको मिल जाएंगे 12-12 रील के, डिज़ाइन देख सकते हैं आप कितना बढ़िया बना है इसमें। और काफ़ी लोग कहते हैं कि फ़ाइबर के दिखाओ, तो फ़ाइबर के भी आपको ऐसे ट्रांसपेरेंट वाले मिल जाएंगे। और ये वाले से आपको ये एडवांटेज होता है कि इसमें आपको सद्दी या मंजा पता चल जाता है कितना है। और यहाँ पे आपको सद्दी भी मिल जाएगी जो भी आप कहेंगे, तो ये देख सकते हैं बैलून की सद्दी है ये, और इसकी जो प्राइस है सिर्फ 180 रुपीज़ है। ये देखिए यहाँ पर बैलून की रखी है, और ये कौन सी है, ये भी देखिए बैलून की सद्दी है, ये रंगीन में आपको मिल जाएगी, और बड़ा वाला ये वाला भी आपको कोन मिल जाएगा इसमें बैलून में। और हाई फ्लायर लेना चाहें तो हाई फ्लायर भी आपको यहाँ पे अवेलेबल है, ये देखिए हाई फ्लायर पतली वाली सद्दी है एकदम हाई फ्लायर की, और कलर आप देख सकते हैं ब्राउन भी मिल जाएगा। और छोटे वाले अगर बच्चों के लिए चाहिए तो आपको बच्चों के लिए भी यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अभी इसका सब रेट वेट मैं आपको बताता हूँ, तो वीडियो को आप लोग एंड तक देखते रहना। क्या नाम है आपकी दुकान का? सदर काइट सेंटर। और आपका? इनाम अली काइट सेंटर। अच्छा, और टाइमिंग क्या है दुकान खुलने की? दुकान खुलने की टाइमिंग है 9:00 से। और रिटेल और होलसेल में दोनों में देते हैं? और अच्छा, तो कुछ सामान दिखा दीजिए आप। पतंगे क्या देखना चाहते हैं? पतंगे दिखा दीजिए, किस रेंज में स्टार्ट है? ये पतंग अच्छी होती है। किस रेंज की है? 480 रुपये सैकड़ा। सही, दिखाते जाइए। ये मंझोली है, ये 360 रुपये सैकड़ा है। ये पौनताई है, ये पौनताई है, ये जो है आपकी 250 रुपए की 100 है। देखिए ये बहुत पतंग होती है इसके अंदर ये छोटा बीम वगैरह सब होता है। इसके रेट क्या है? इसका रेट है 250 रुपए की 100। छिली भी पतंग होती है, देखिए छोटी पतंग होती है 180 रुपये सैकड़े की पतंग होती है। सही, और जो आपके पीछे रखी है कैसे? 180 रुपये सैकड़े की पतंग होती है। ये मंझोली होती है फैंसी, 400 रुपये सैकड़ा होती है। अच्छा सही, ठीक है। हाँ, अब देखिए ये झालर वाली पतंग होती है, ये किस रेट में? ये 360 रुपये की 100 होती है। सही, और ये जो है 650 रुपये सैकड़ा पतंग होती है। 650 रुपये पतंग होती है, अच्छी पतंग होती है, बहुत शानदार पतंग होती है, होती है। अच्छा, बहुत खूबसूरत चलती होती है। किस रेट में? ये हमारी 120 रुपए की, 120 रुपए की होती है। ये देखिए 120 का, ये और निकाल लीजिए, 120 रुपए की पड़ेगी आपको। ये फाइबर की चरखी होती है, नक्श क्या वो होता है, इसमें नक्शी काम होता है, डिजाइन देखिए पूरा बढ़िया कढ़ाई होती है, इसमें डिजाइन होता है, बहुत खूबसूरत होती है, और हाथ में नहीं लगती है कांच इसका अंदर। ये देखिए आधा किलो में डोर होती है, बैलून की बहुत मजबूत डोर होती है। इसके रेट क्या है? कढ़ाते हैं, माल की कीमत 180 रुपये होती है, ठीक है। ये बैलून की डोर होती है, कलरफुल डोर होती है, बहुत शानदार डोर होती है, बहुत बढ़िया डोर होती है। ये देखिए इस सिकंदर खां का माजा होता है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ये मैदान का माजा होता है, पूरी डोर होती है, और पूरा 12 रील माजा निकलता है। माल की कीमत इसकी 1200 रुपये होती है, 1200 रुपये का ये 12 रील माजा होता है। ये HMB का माजा होता है, फ्रांस का, ये बहुत अच्छा माजा होता है, और इस माजे वाले को इंडिया गवर्नमेंट ने 2 बार फ्रांस भेजा था माजा बनाने के लिए। अच्छा, तिरंगा बना के इंडिया का
फ्रांस के अंदर आए थे, फ्रांस पेरिस लंदन सब जगह ये करके अपना नाम आए थे, और हबीब बैंड में था। एक शेरिल की चरखी होती है, बहुत अच्छे कारीगर की होती है, 325 रुपए की होती है। 325 रुपए और ये बच्चों के मतलब कि ये डीके का माजा होता है। अच्छा, बहुत अच्छे कारीगर का माजा होता है, माथ भी माजा होता है, 180 रुपए का होता है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कुछ चरखियाँ यहाँ पे रखी हैं, और जो अभी आपने देखा वो थे दुकान के ओनर। तो यार दुकान में आज काफ़ी भीड़ है, तो यार उन्होंने थोड़ा बहुत टाइम निकाल के हमें बता दिए रेट। और जैसा कि आप जानते होंगे रक्षाबंधन एकदम करीब पे है, तो दुकान में बहुत भीड़ है इस समय, इसीलिए ज़्यादा उनके पास टाइम नहीं था, तो अब वो अपना सामान देने में लग गए। तो मैं आपको ऐसे ही दिखा दे रहा हूँ कौन कौन से मंजे की वैरायटी है इनके पास, तो आप देख लेना। ये सब मंजे रहे भाई, 12-12 रील की हैं, और अगर आपको 6 रील की चाहिए हो तो 6 या 3 रील की आपको ये भी मिल जाएंगी। ये देखिए मैदानी मंजे लिखा है सब में, और एकदम बढ़िया क्वालिटी का मंजा आपको यहाँ पे मिलेगा। ये देखिए ऊपर भी रखें, कुछ चरखे भी आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों मुझे चाहिए एक काइट बैग, तो अभी मैं इनसे एक काइट बैग ख़रीद रहा हूँ, और उसके बाद उस बैग को ख़रीदते हैं और फिर घर चल के आपको दिखाते हैं कि कौन सा बैग लिया मैंने और किस रेट का लिया है। तो दोस्तों अब मैं आ गया हूँ घर, और ये देखिए एक बैग लेकर मैं आया हूँ। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैंने वहाँ पे वीडियो इसलिए रोक दी थी क्योंकि दुकान में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, तो मुझे ज़्यादा देर वहाँ पे रुकना सही नहीं लगा, इसलिए मैंने जल्दी से बैग लिया और फिर मैं आ गया घर। इसलिए ज़्यादा लंबी तो वीडियो नहीं बन पाई। तो यार जैसा भी अब कोविड चल रहा है वैसे ही बहुत ज़्यादा, तो ज़्यादा देर बाहर आप मत रुकना, जितना ज़रूरत हो उतना ही रुकना। तो यहाँ पर देखिए ये बैग लेकर मैं आया हूँ, और ये मुझे पड़ा है 290 रुपीज़ का, 290 का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है काइट बैग, और सामने आपको एक चेन मिल जाएगी। इधर यहाँ पे आप कुछ भी अपना सामान रख सकते हैं, टेप रख सकते हैं या कुछ भी आपका कुछ भी सामान हो तो यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद ऊपर से आपको ये मिल जाएगा हैंडल पकड़ने के लिए, आप चाहें तो ऐसे ही पकड़ सकते हैं। और उसके बाद ये भी आपको एक सेफ्टी के लिए ये भी मिल जाएगा, अगर बाई चांस आपकी चेन ख़राब हो जाती तो आप इसको भी बंद करके अपने बैग को सही से रख सकते हैं। और इसके पीछे दिखाऊं तो यहाँ पे आपको ये टांगने वाले मिल जाएंगे, अगर आप पीठ में अपनी टांगना चाहें तो आपको ये भी मिल जाएगा। और नीचे की तरफ आपको दो यहाँ पे चेन देखने को मिल जाएगी कि अगर बाई चांस एक ख़राब हो जाती है तो दूसरी आपके पास होगी। तो दोस्तों यही था बैग, और 290 रुपये का ये मुझे पड़ा है, और काफ़ी बढ़िया बैग है, इसमें आराम से आपकी पतंगें आ जाएंगी और कोई रिस्क नहीं होगा पतंगों को फटने का। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, और काफ़ी रिस्क लेके मैं बाहर गया था और आप लोग के लिए वीडियो बनाई, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना पतंग दोस्तों में, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किसकी चाहिए, उसके ऊपर मैं पूरी कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, मिलती फिर मैं नेक्स्ट वीडियो।